हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर साइंस सीखने की सीरीज में। और मैं सूरज कुमार तिवारी आज आपको सिखाऊंगा MySQL के बारे में। स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, तो जो भी स्टूडेंट्स MySQL को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं उनकी कंफ्यूजन 100% होने वाली है दूर। तो कहीं मत जाइएगा, ध्यान से इस चीज को देख लीजिए। देखिए, समझिए, सबसे पहले क्या करना है, MySQL आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए कहाँ जाना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है सीधा गूगल पे, और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, सर्च कीजिएगा MySQL इंस्टॉलेशन। ये देखिए, ये MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, ऐसे सर्च कीजिएगा और ये जो पहला लिंक आएगा इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। बस यही आपको करना है, इंस्टॉल करने के लिए और कुछ नहीं करना है। तो इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। तो इस पे आपको एक पासवर्ड भी सेट करना होता है इंस्टॉल करते वक्त ही, तो वो पासवर्ड आपको इंस्टॉल करते वक्त ही सेट कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर MySQL को ओपन करता हूं। ठीक है, MySQL को दो तरीकों से, एक वर्कबेंच से और एक कमांड लाइन से, दोनों तरीकों से चलाया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल कमांड लाइन से मैं चला करके आपको दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले तो पासवर्ड एंटर करना होगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना बहुत जरूरी, क्योंकि बिना पासवर्ड के चलेगा नहीं। यहां पर सबसे पहला कमांड जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा गया था कि अगर हमको सारा डेटाबेस एक साथ देखना हो तो क्या कमांड यूज करेंगे, तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे सीधा सीधा सो डेटाबेसेस। क्या लिखना है, सो डेटाबेसेस, तो यहां पे लिखिए सो डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये लिख दिया, और यहां से टर्मिनेशन देना है। टर्मिनेशन का मतलब सेमी कॉलन लगाइए और एंटर कर दीजिए। देखिए इतने सारे डेटाबेसेस बने हुए, सारे डेटाबेस देखने का कमांड क्या है, सो डेटाबेसेस। अब मान लीजिए आपको नया डेटाबेस बनाना है या किसी बने हुए डेटाबेस को यूज करना है, तो मैं पहले यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको इनमें से कोई एक डेटाबेस यूज करना है, तो आपको यूज कीवर्ड का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए डेमो का यूज करना, तो ये डेमो लिखा हमने, यूज लिखा, फिर डेमो लिखा, फिर यहाँ पर ये डेटाबेस चेंज हो गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक नया डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्रिएट डाटाबेस, और यहाँ पर डाटाबेस का नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए शॉप, शॉप लिखते हैं, शॉप डी, शॉप डी का मतलब हुआ शॉप का डाटाबेस। तो ये देखिए क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड आ गया ना, तो क्वेरी ओके हो गई और वन रो अफेक्टेड, यानी कि शॉप डी नाम से डाटाबेस बन गया। अब जब यहां पर आप शो डाटाबेसेस करेंगे ना, शो डाटाबेसेस, तो यहां पर शॉप डी भी आपको दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए शॉप डी इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला शॉप डी यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमको इसका यूज करना है, तो यहां पे शॉप डी दे देंगे तो इसका यूज भी कर पाएंगे। तो ये लिखा शॉप डी और यहां टर्मिनेट किया, तो ये देखिए डाटाबेस चेंज हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, लाइन वाइज अब क्रिएट करना है टेबल। एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत आसान है करना। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है क्रिएट कमांड। तो ये लिखा क्रिएट, क्रिएट किस टाइप का कमांड होता है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि क्रिएट किस तरह का कमांड होता है। क्रिएट एक डीडीएल कमांड होता है। कैसा कमांड होता है, डीडीएल कमांड। अब डीडीएल कमांड क्या होता है, डीडीएल कमांड के अंतर्गत कई सारे कमांड्स आते हैं MySQL के। कौन कौन से कमांड आते हैं इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार ये बातें हो चुकी है कि डीडीएल में कौन कौन सा आता है, डीएमएल में कौन कौन सा आता है, TCL में कौन कौन सा आता है, DQL में कौन कौन सा आता है। तो MySQL के जितने भी कमांड्स हैं सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जो क्रिएट कमांड होता है वो किस टाइप का कमांड है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो क्रिएट कमांड होता है वो एक तरह का, जो क्रिएट कमांड होता है वो एक तरह का DDL कमांड होता है। ठीक है, क्रिएट है, ड्रॉप है, अल्टर है, ट्रंकेट है। DML में क्या क्या आएगा, इंसर्ट आएगा, अपडेट आएगा, डिलीट आएगा, कॉल आएगा, एक्सप्लेन कॉल आएगा, लॉक आएगा। TCL में क्या क्या आएगा, TCL में कमिट आएगा, इसके अलावा सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट, इस तरह के कमांड जो है इसमें आएंगे। DQL में सेलेक्ट कमांड भी आ जाता है, DQL अलग से होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे DQL लिखते हो तो DQL के अंदर ये कमांड आ जाएगा सेलेक्ट, लेकिन अगर DQL नहीं लिखते हो तो DML के अंदर ही सेलेक्ट कमांड आ जाता है। इसके बाद एक और कमांड आता है DCL, DCL में क्या क्या आएगा, DCL में ग्रांट आता है और रिवोक आता है, तो ये सारे कमांड आते हैं। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम देंगे। लाइक यहाँ पे दे देता हूँ शॉप टी, तो इस बार दे दिया शॉप टी। अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक फील्ड नेम डालना है। जैसे यहाँ पे शॉप नेम ऑफ प्रोडक्ट डालते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर दिया, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट किस टाइप का डेटा टाइप होगा वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे अलग जो दूसरा फील्ड होगा उसका यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे प्राइस कर देते हैं, तो प्राइस यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होगा। और यहाँ पे यूनिट कर देते हैं, यूनिट भी फ्लोट टाइप का कर देते हैं, तो ये कर दिया हमने फ्लोट टाइप का यूनिट भी। ठीक है, तो ये यूनिट भी हो गया, प्राइस भी हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे कॉमा देंगे, अगर टोटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नाम का फील्ड भी इंसर्ट करा देता हूँ, और यहाँ पे इसका भी डेटा टाइप क्या,
तो यहां पर क्वेरी ओके जीरो रो अफेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। टेबल बन गई है यानी फील्ड्स उसमें इंसर्ट कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या नहीं इंसर्ट किया, अभी तक हमने इसमें डेटा नहीं इंसर्ट किया कोई, ठीक है। लेकिन इसको देखना भी तो पड़ेगा कि हमारी टेबल बनी कैसे है, क्या क्या डेटा टाइप एंटर करे गए हैं इसमें, तो इसको देखने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा उसको देखते हैं। जो इसमें अलग अलग डेटा टाइप हमने दिए हैं उनको देखने के लिए हम यहाँ डिस्क्राइब कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए DESC और यहाँ पर उस टेबल का नाम, तो शॉप टी नाम से हमारी टेबल बनी थी, तो ये शॉप टी दे करके टर्मिनेट कर दीजिए और लीजिए। यहाँ पर आपको सारे के सारे डेटा टाइप दिखाई पड़ेंगे, देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। तो ये लीजिए और क्लियर अब आपको दिख रहा होगा। तो ये सब तो हो गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब इसमें डेटा भी इंसर्ट कराया जाए। तो डेटा कैसे इंसर्ट कराएंगे इसमें, अब देखिए एक एक्स्ट्रा फील्ड हमने डाल दिया टोटल, तो टोटल को डिलीट भी करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे ये सारी चीजें समझनी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिलीट ही करेंगे, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए कौन कौन से कमांड होते हैं उसको देख लेते हैं। तो डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है उसका यूज करके टोटल को पहले डिलीट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी फील्ड को डिलीट ही करना हो या इसमें ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे या कैसे डिलीट करेंगे, तो डिलीट करना देखेंगे आप। जल्दी से चला लीजिए अल्टर कमांड। तो ये लिखिए अल्टर टेबल, कौन से टेबल से अल्टर करना है, तो हमें हमारे टेबल का नाम है शॉप टी, इस तरीके से लिख दीजिएगा। और ये लिखने के बाद आपको कोई टर्मिनेशन ना देते हुए एंटर कर देना, जैसे ही एंटर करेंगे तो ये नीचे आएंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा ड्रॉप DROP ड्रॉप, ठीक है। और कॉलम का नाम दे दीजिएगा कॉलम टोटल, टोटल को ड्रॉप करना है हटाना है तो ये टोटल लिख दिया, और यहाँ टर्मिनेशन देकर के एंटर कर दीजिएगा। क्वेरी ओके, ठीक है, जीरो रो अफेक्टेड। अब ये क्या हुआ, तो यहाँ पे DESC चलाइए, फिर से DESC नाम का जो स्टेटमेंट है उसको चलाइए, और यहाँ पर क्या करना है आपको शॉप टी दे देना है, शॉप टी ये दे दिया और एंटर कर दीजिए। तो देखिए इसमें से एक्स्ट्रा जो कॉलम था वो हट गया, अब खाली क्या बचा, नेम ऑफ प्रोडक्ट बचा, प्राइस बचा, यूनिट बचा। अब हमको प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे टोटल निकलेगा, टोटल का फील्ड भी हमें डालना है, इसमें भी चीजें इंसर्ट करनी है और टोटल भी कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल तो हम इसमें इंसर्ट इनटू कमांड चलाएंगे ताकि बहुत सारे फील्ड इसमें इंसर्ट कर दिया जाए। तो ये लिखेंगे इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम क्या है शॉप टी, तो ये दे दीजिएगा शॉप टी, वैल्यूज हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले इधर आ जाएंगे, अब एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज डालनी है हमको, तो हमने क्या लिखा था, कंप्यूटर लिखा था, तो कंप्यूटर यहाँ प्रोडक्ट का नाम दे दिया हमने डबल ट्रेड कोर्स में, ये ध्यान रखिएगा डबल ट्रेड कोर्स में जरूर दे दीजिएगा। और यहाँ 50,000 जो कीमत हमने डाली थी वो दे दिया, 60 हमने यहाँ पे डाल दिया, अमाउंट 60 डाल दिया, और यहाँ पे टर्मिनेशन देकर के एंटर किया। क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड आ गया। अब हमें सेलेक्ट कमांड का यूज करना है, आपको पता ही है सेलेक्ट कमांड किस तरह का कमांड है, ये मैंने अभी बताया है आपको DML, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, शॉप टी से, शॉप टी लिख दिया। अब यहाँ पे टर्मिनेट किया है, देखिए इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया कि नहीं। अब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं, यहाँ से उठाइए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको एक बार कॉपी कर लेंगे तो काम होता चलेगा, बार बार लिखने की उतनी जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसको पहले हटा लीजिए, ये सब सही कर लीजिए। अब यहाँ पे चीजों को चेंज करते चलिए, जैसे कंप्यूटर की जगह इस बार लैपटॉप की बात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लैपटॉप, लैपटॉप लेनोवो, लेनोवो ये लिख दिया। और यहाँ पर इसकी कीमत क्या रखेंगे, मान लीजिए 85,000 कीमत हो, यहाँ पर ये अमाउंट चेंज कर देते हैं, अमाउंट कर देते हैं 6, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये देखिए ये फिर ओके हो गया। फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वही काम करना है आपको बार बार, ठीक है। अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, खाली कॉपी पेस्ट करते चलिए काम होता जाएगा आपका, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, इस बार यहाँ प्रिंटर लिखते हैं, प्रिंटर, ठीक है, ये लिखिए यहाँ पे आके प्रिंटर, PRINTER प्रिंटर हो गया। और प्रिंटर लिखने के बाद यहाँ पे प्रिंटर की कॉस्ट आएगी, तो यहाँ पे प्रिंटर की कॉस्ट कर देते हैं 36,000, तो ये कर दिया 36,000 और 60 अमाउंट रखते हैं, तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये बार बार आपको लिखने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा अगर कॉपी पेस्ट करना सीख जाते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से आपका बड़ा डेटाबेस तैयार हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा आपके सामने है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा जाएगा पूरा डेटाबेस बनाने के लिए, पूरा डेटाबेस बना के दे दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारा काम आसानी से होता चलेगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपका, और यहां पे कर देता हूं कीमत 10,000, ठीक है। और बाकी यहां पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं आप 20, ठीक है। अब एंटर करिए, यहां पर ये अफेक्टेड हो जाएगा, तो इस तरीके से ये होता चलेगा। अब हम इसको सेलेक्ट करके जरा एक बार देखते हैं इसमें कितने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा दिए हमने। तो यहाँ पे माई शॉप, माई शॉप नहीं, शॉप टी के नाम से था, शॉप
तो ये हो गया, यहां से टर्मिनेट कर दिया। एक मिनट, यहां पे गड़बड़ हो गया, कमांड लिखते वक्त सेलेक्ट एस्टेट सिंबल लगाइए, फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, शॉप टी, शॉप टी, ये हो गया। तो ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं ये काफी आसान है। अब क्या करना है आपको, अब हमें एक इन सब का टोटल करना है, यूनिट के हिसाब से टोटल अपने आप होता हुआ नजर आए। तो क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले यहां लिखेंगे सेलेक्ट, किसको किसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट को, सॉरी नेम ऑफ प्रोडक्ट को, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया। और नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर कॉमा लगाना है, ठीक है। नेम ऑफ प्रोडक्ट तो लिख दिया हमने, अब यहां पर क्या करिएगा, यहां पर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहां पे पी आर आई सी ई प्राइस और मल्टीप्लाई बाई जो आपका यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां लिख दिया एज टोटल, एज टोटल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम पूरी सारी चीजें एक साथ देखना चाहते हैं तो यहां पर उनको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राइस के बाद हमें प्रोडक्ट के बाद हमें प्राइस और क्वांटिटी भी नजर आए, हम ऐसा चाहते हैं तो यहां पे प्राइस और यूनिट भी डाल सकते हैं। जैसे अगर ये नजर आए ऐसा आप चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आकर के फिर यहां से अब आप टर्मिनेट कर देंगे। जब टर्मिनेट कर देंगे और ये भी आपको देखना होगा कि एज टोटल फ्रॉम कहां से आएगा, ये तो फ्रॉम टेबल का नाम देना है, शॉप टी से आएगा, शॉप टी, ये भी ध्यान दीजिएगा। और यहां से एंटर करिएगा तो देखिए प्राइस क्वांटिटी और टोटल आपको होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं, आप जब प्रोडक्ट यहां पे लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पर मैं फिर इंसर्ट इनटू कमांड चलाऊंगा, देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूं। ये देखिए ये इंसर्ट इनटू कमांड चलाया हमने और यहां पर हमको खाली यहां पे चेंज करना है, प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इस बार हम कुछ ऐसा रखते हैं कि डेसिमल में आए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैं सपोज कीजिए रख देता हूं रैम, आर ए एम, रैम रख देता हूं और यहां पे रैम की कीमत डाल देता हूं। जैसे मान लीजिए रैम की कीमत है 3000 रुपए, ठीक है। तो यहां 3000 डाल दिया। अब 3000 डालने के बाद यहां पे 3000 नहीं बल्कि ये क्या करता हूं 3050 पैसे कर देता हूं, या 3035 पैसे, या 42 पैसे, या 23 पैसे, ऐसे कुछ कर देता हूं। ये लीजिए यहां पे 23 कर देता हूं। तो देखिए यहां पर 3023 पैसे मैंने डाले हैं और 60 यहां पे आइटम डाला है। तो यहां पे देखिए यहां पे जैसे ही आएंगे ना यहां पे आकर के, और अब टर्मिनेशन की बारी है, टर्मिनेशन देकर के एंटर कर दीजिए। तो यहां वन रो अफेक्टेड आ गया ना। अब यहां पे वापस से सेलेक्ट कमांड का यूज कीजिए, ये सेलेक्ट कमांड हो गया, फ्रॉम हो गया, कहां से सेलेक्ट करना है ये भी आपको देखना होगा। तो शॉप टी है तो शॉप टी दे दीजिए और यहां से एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए आपको बार बार अब टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आ गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए टोटल तो इसमें है नहीं, टोटल तो दिख नहीं रहा है, तो ये हमारी जो क्वेरी लगाई थी ना हमने, अब तो ये उठाइए और सीधा इस तरीके से लीजिए, यही क्वेरी आपको लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी क्वेरी है जिसके माध्यम से आप टोटल भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो यहां से आप उठाइएगा और यही चीज लिख डालिएगा, खाली इसको उठाइए, कॉपी कीजिए और यही चीज लिख डालिए, इतना ही आपको करना है। ये है ना, इतना उठाइए यहां से और कंट्रोल सी कीजिए और नीचे आकर के कंट्रोल वी कीजिए और देन एंटर कर दीजिए, बस इतना ही करना है। तो देखिए सबका टोटल होता हुआ नजर आ, और ये पॉइंट में आ रहा है, देखिए अब तो ये पॉइंट में आने लगा, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं ये पॉइंट में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है पॉइंट में, ठीक है, तो टोटल भी आ रहा है। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस है, प्राइस के बाद हमने कॉमा नहीं दिया था, ये कॉमा छूट गया था जिसके चलते यहां पे प्राइस आया नहीं है। तो अगर आप प्राइस भी चाहते हैं तो यहां पे कॉमा जरूर दे दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कॉमा छोटा हुआ है तो जिसके चलते ये नहीं आ रहा है। देखिए मैं दे के दिखाता हूँ, अभी कॉमा दे दूंगा तो प्राइस भी आएगा, ठीक है। अब ये एंटर किया तो ये देखिए ये प्राइस भी आने लगा। तो हर तरीके से अवेलेबल है, सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो बनाया ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।